नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के अंतर्गत हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव गोद लेना होता है और उसका विकास करना होता है। वैसे तो योजना ये थी कि हर सांसद को प्रत्येक वर्ष एक गाँव गोद लेना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस वक्त हम खड़े हैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के हथनीकला ग्राम पंचायत में, जिसे यहां के सांसद लखन लाल साहू ने गोद लिया है। लेकिन क्या ये आदर्श ग्राम योजना सफल हो पाई है, या फिर क्या यहां के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ पाया है जो कि इस योजना का उद्देश्य था, उसकी पड़ताल हम करेंगे। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभाओं से घिरा हुआ है, जो कि बिलासपुर और मुंगेली जिले दोनों को लेकर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अभी तक यहाँ पे 3 बार चुनाव हुए हैं और तीनों ही बार यहाँ पे भाजपा के सांसद चुने गए हैं। पहली बार यहाँ पुन्नूलाल मोहले थे, उसके बाद दिलीप सिंह जुदेव और वर्तमान में लखन लाल साहू यहाँ के सांसद हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑपरेशन आदर्श ग्राम की अपनी ये पड़ताल हथनीकला ग्राम पंचायत में। सांसद आदर्श ग्राम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिलासपुर के सांसद लखन लाल साहू ने क्या कुछ किया, ये तो यहाँ के ग्रामीण ही बता सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात की और गांव के विकास के बारे में जानने की कोशिश की। हथनीकला ग्राम पंचायत को सांसद लखन लाल साहू ने गोद तो ले लिया, लेकिन क्या इस ग्राम पंचायत को गोद लेने के बाद जो इस योजना का उद्देश्य है उसकी पूर्ति की, इस बारे में जानने के लिए हम निकले हैं और हम हथनीकला ग्राम पंचायत में ही खड़े हैं। यहाँ के लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। सांसद जी ने गाँव को गोद लिया था, ऐसा लगा कि गोद लेने का जो उद्देश्य था गाँव को आगे बढ़ाना, विकास की नई परिभाषाएँ लिखना, सुविधाएँ देना, वो सब कुछ हो पाया? पूरा सुविधा तो नहीं हुआ है सर, न नाली बना है, न निजी अस्पताल बना है यहाँ। हाँ, और बाकी काम तो सही बना है जी। और ऐसा लगा कि जब वो ग्राम पंचायत उनके गोद लेने के पहले और गोद लेने के बाद कुछ बदलाव दिखा आपको? मेरे को नहीं दिखा, नहीं दिखा बदलाव। केंद्रीय योजनाएं ज़्यादा अच्छे से लागू होती हैं जहाँ पे सांसद गांव को गोद लेते हैं, जैसे मनरेगा हो गया या उज्ज्वला हो गया या फिर इंदिरा आवास योजना जो पहले थी, बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, ऐसा कुछ हुआ क्या? हुआ है, मनरेगा काम चल रहा है, हर एक साल होता है यहाँ मनरेगा। अब उसके बाद तो चल ही रहा है काम सब ठीक है। गाँव की स्थिति कैसी देखते हैं सर, अभी जिस गाँव में गोद लेने के बाद और गोद लेने के पहले? ठीक है ना सर, क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं यार, का बोले, हाँ सब काम हो चुके हैं, रोजगार गारंटी चलते हैं, इंदिरा आवास से हो, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास चलते हैं, यानी काम जारी है। ऐसी कौन सी और जरूरतें हैं जो यहाँ पे होनी चाहिए? अभी तो वो नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और वो तो सीसी रोड नहीं है, नाली नहीं है। हाँ, हमने इनसे जानने की कोशिश की शुरुआत में कि आखिरकार गांव की स्थिति कैसी है, तो फिलहाल तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी कहना है कि वो सभी सुविधाएं अभी यहां पे नहीं मिल पाई हैं जो मिलनी चाहिए थी, और इनका साफ कहना है कि जो विकास होना चाहिए था उस विकास की शुरुआत हुई है, अभी इस विकास को लंबे चलने देना होगा, तब कहीं जाके इस गाँव की स्थिति सुधर पाएगी। तो फिलहाल अभी जो बातचीत निकल कर आई है सामने, उसमें से यही है कि कमियाँ हैं, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह की कमियाँ हैं और क्या यहाँ पे काम हुए हैं। सांसद आदर्श ग्राम में शिक्षा की स्थिति कैसी है, ये जानने की कोशिश करते हुए ये पता चला कि इस गांव में 2 वर्ष पहले ही हाई स्कूल खुला है। इसके पहले बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए दूर जाना पड़ता था। यहां कुल 14 शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 3 शिक्षकों के भरोसे ये स्कूल चल रहा है। आलम यह है कि अंग्रेजी के शिक्षक संस्कृत पढ़ा रहे हैं और गणित के शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। किसी भी गांव या फिर ग्राम पंचायत की तरक्की तब मापी जाती है जब वहां के लोग पढ़ने लिखने में काबिलियत हासिल करते हैं। हथनीकला में भी हमने ये चेक किया कि यहां पे शिक्षा की स्थिति क्या है। चूंकि इस गांव को सांसद ने गोद लिया है तो जाहिर सी बात है शिक्षा पे फोकस तो रहेगा ही, लेकिन ये जान के आश्चर्य हुआ कि सांसद के गाँव इस गाँव के गोद लेने के बाद भी लंबे समय तक यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी और मिडिल स्कूल ही रहा। 2 साल पहले इस गाँव को के स्कूल मिडिल स्कूल का उन्नयन करके इसे हाई स्कूल बनाया गया है, लेकिन वहाँ भी स्थिति कुछ बहुत बेहतर नहीं है क्योंकि शिक्षकों की लगातार कमी बनी हुई है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के प्रभारी जितेंद्र साहू जी हैं। साहू जी, अभी इस स्कूल की क्या स्थिति है शिक्षकों की बात करें तो? सर ऐसा है कि यहाँ पर सेंक्शन तो 14 पदों का है, अभी शिक्षकों में 3 ही कार्यरत हैं, एक अटैच से है, बाकी 11 पद खाली है।
तो इसके लिए क्या कभी आपने मांग पत्र भेजा या जो लोग आए या सांसद आए उनसे कभी मांग की? स्कूल की तरफ से भेजते हैं जानकारी, जो स्कूल में है तो उसमें फॉर्मेट में देते हैं कि कितने शीशा कार्यरत हैं, कितने खाली हैं करके, वो दिए हमने। तो इस बार पहली बार आपके बच्चे दसवीं की परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में शिक्षकों की कमी, परीक्षा पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, जो तो है स्वाभाविक बात है, परीक्षा पर असर पड़ेगा हैं, बच्चों की स्थिति भी थोड़ा सा कमजोर है जी, और शीशा की भी कमी है, भवन भी हमारे पास नहीं है, तो शिफ्ट में लग रहा है, तो इसमें भी समय कम पड़ जाता है। हमने देखा आप इंग्लिश के स्पेशलिस्ट हैं लेकिन संस्कृत पढ़ा रहे हैं, मैम गणित की हैं लेकिन वो हिंदी पढ़ा रही हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग दो इंग्लिश के दो टीचर हैं, तो मैं बीएससी हूं, तो मैं विज्ञान ले रहा हूं और ऑप्शन में संस्कृत विषय ले रहा हूं, मैडम जो अटैच में वो इंग्लिश की है तो इंग्लिश ले रही है वो। लेकिन शिक्षकों की कमी का कमियाँ ये भुगतना पड़ रहा है कि दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, ये है ना, ये अंतर आता है इसमें, विषय के रहने पर बच्चों को ज़्यादा लाभ मिलता है, और अदरवाइज जो दूसरे टीचर हैं जो उस विषय में पीछे वगैरह नहीं किए हैं तो अंतर आता ही है, उतना क्लियर नहीं कर पाते बच्चों को, ऐसा है। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ टोटल 75 हैं दोनों मिला करके जी। तो सुना आपने 75 के आसपास बच्चे हैं, तकरीबन 14 स्टाफ की आवश्यकता है, और पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं यहाँ के बच्चे। पिछली बार जो है 9वीं की परीक्षा दिए थे, इस बार 10वीं की परीक्षा देंगे, तो फर्स्ट टाइम इन बच्चों को बोर्ड की परीक्षा देना है, लेकिन शिक्षकों की कमी है। यहाँ पे जो शिक्षक है उनकी मजबूरी ये है कि छात्रों का कोर्स पूरा कराना है, लिहाजा वो जिस विषय के स्पेशलिस्ट हैं उनके अलावा दूसरे विषयों की भी पढ़ाई करवा रहे हैं। विज्ञान के शिक्षक को कुछ और पढ़ाना पड़ रहा है, इंग्लिश के शिक्षक को कुछ और पढ़ाना पड़ रहा है, गणित के शिक्षक को हिंदी पढ़ाना पड़ रहा है। तो इससे ये देखा जा सकता है कि शिक्षा की स्थिति इस गांव में, जिसे कि सांसद ने गोद लिया है, कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है। शिक्षा को लेकर छात्र क्या सोचते हैं और शिक्षकों की कमी के बारे में उनका क्या कहना है, ये खुद छात्र ही बताते हैं। विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी होने की वजह से छात्रों के मन में दर्द जरूर है, लेकिन कोई सुनवाई न होने के कारण वो आधा अधूरा ज्ञान लेकर ही बोर्ड की परीक्षा पास करने की तैयारी कर रहे हैं। हथनीकला ग्राम पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति है, इसके लिए हम खुद छात्रों के पास आए हैं, और इस वक्त हम यहाँ के हाई स्कूल के 10वीं कक्षा में बैठे हुए हैं, जहाँ पे छात्र और छात्राएं दोनों हमारे साथ हैं। छात्र ही एक्चुअली बता पाएंगे कि वास्तव में शिक्षा की स्थिति क्या है, पढ़ाई किस तरह से चल रही है, क्या वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल रहा है कि नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा पायल ठाकुर। पायल, ये बताओ कि शिक्षा ठीक चल रही है, पढ़ाई ठीक चल रही है? यस। जितने टीचर्स चाहिए वो टीचर्स हैं आपके पास? नहीं। क्या दिक्कत हो रही है? पढ़ाई कम हो रही है। अच्छा, फिजिक्स के टीचर हैं? नहीं है। नहीं है, ठीक है। आप लोग 10वीं में हो तो साइंस का माइंड रहता है, तो अभी जैसे कि विषय विशेषज्ञ के टीचर नहीं, तो क्या दिक्कत हो रही है? पढ़ाई कम हो रही है। ओके, आपका क्या नाम है बेटा? मुस्कान ठाकुर। मुस्कान, ये बताओ कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर पा रहे हो, कैसे क्लासेस चल रही है? हम अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं सर, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको हम अपने घर में भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से जी। अभी हमने यहाँ पे पता किया तो 14 शिक्षकों की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 4 ही पोस्टेड हैं यहाँ पे, यानी कि आपके बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जिनके कि स्पेशलिस्ट टीचर नहीं होंगे, तो कितनी परेशानी हो रही है? अभी तो 3 है हमारे स्कूल में टीचर, 1 सर और 2 मैडम। एक मैडम तो वो भी उधारे में आए हुए, वो तो चले जाएगी फिर। ओके, अभी यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा नेता आया जिससे आप लोग बोल सके कि हमको टीचर चाहिए? नहीं। आपको पता है कि आपके गांव को किसने गोद लिया है? हाँ, सांसद। सांसद, ठीक है। तो देखा आपने, छात्रों का खास तौर पे और छात्राएं जो हैं पढ़ाई को लेकर काफ़ी एक्टिव होती हैं, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो चीज़ इन्हें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि मेहनत में ये कोई कमी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इनको पास होना है, बोर्ड की परीक्षा है, और इस बार इनको अच्छे रिजल्ट्स लेके आने हैं। लेकिन एक ऐसा गाँव जिसको कि सांसद ने गोद लिया है, जिसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सांसद ने ली है, उसी गाँव के स्कूल में शिक्षकों की कमी है, और छात्रों को मजबूरी में दूसरे टीचरों को बुला के अपनी पढ़ाई पूरी करवानी पड़ रही है। जबकि बेहतर नहीं होता कि यहाँ के टीचर वाकई में पदस्थ होते और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल पाती, तो इससे समझा जा सकता है कि इस गांव में शिक्षा की स्थिति क्या है। सांसद आदर्श ग्राम के तहत हथनीकला को गोद लिए सांसद को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी गाँव में घुसने के लिए अप्रोच रोड नहीं, मिट्टी की सड़क में गड्ढे बने हुए हैं, और बारिश में लोगों को अपनी जान हथेली पर लेकर इस गांव के रास्तों पर आना जाना पड़ता है। किसी भी गांव की खुशहाली का मानक होता है अच्छी सड़कें, पानी की सुविधा, लेकिन हथनीकला ग्राम पंचायत में हम जो देख पा रहे हैं, न तो यहाँ पे पानी की ढंग से सुविधाएं हैं, न ही यहाँ की सड़कें ठीक हैं। ठीक क्या है, सड़कें हैं ही नहीं, मान के चलिए। गाँव के ही कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह की सड़कें हैं यहाँ पे हथनीकला में। हाँ, बस्ती में तो CC रोड है, और
बाहर में कुछ कमी है, बस्ती में पानी का निकास नहीं है, पानी क्या है जमा हो जाता है, पानी का बहाव नहीं होता, इसलिए गंदगी भी रहता है बस्ती। बाकी पंचायत में तो ऐसे काम हो रहा है, हमारे यहाँ तालाब भी बढ़िया है, 8-10 तालाब है हमारे यहाँ, सब में पानी की सुविधा है, लेकिन पीने के पानी की कमी है यहाँ। तो इतना अच्छा पानी का सोर्स होने के बाद ही पीने के पानी की कमी और उसके बाद निकासी की कमी, ये क्यों है ऐसा? ऐसा है, बस्ती का बस्ती जो है वो गड्ढा ही में है और बाहर जो है वो ऊंचा स्थान है, तो पानी को फेंकने के लिए दूर से बनाना पड़ेगा, तब पानी निकल सकता है यहाँ का। तालाब में पानी जाने की कोई सुविधा नहीं है, तालाब में नहीं जाता बस्ती का पानी, बाहर निकलता है, लेट से निकलता है, बस्ती गड्ढा ही होने के कारण। और पानी है एक यहाँ, अपने यहाँ पानी का टंकी है, पानी सप्लाई होता है, लेकिन ये पीने का काम नहीं आता ये पानी। अच्छा, आपके गांव को सांसद ने गोद लिया हुआ है, 5 साल के आसपास हो गए उनको गोद लिए हुए, बहुत सारा फंड भी आया केंद्र सरकार की तरफ से, यूज हुआ यहाँ पे, दिखाई दे रहा है आपको काम? हाँ, यूज हुआ है। तो इतनी समस्याएं फिर क्यों हैं? नहीं, जितना होना चाहिए एक आदर्श ग्राम में जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया, हुआ है जरूर विकास पर पूर्ण विकास नहीं हो पाया है अभी तक। ठीक है, जरूरत भी है पूर्ण विकास का। यहाँ अपने मुंगेली जिला में पास का गांव है, यहाँ माँ भगवती का बहुत सुंदर मंदिर है, पर्यटक स्थान बनने वाला है यहाँ, लेकिन जिस तरह से विकास आदर्श ग्राम में होना चाहिए वैसे विकास तो अभी तक के नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें बात हुई, पानी की और सड़क की। सड़क जो अप्रोच रोड है गांव का, जहाँ से गांव में घुसा जाता है, वो रोड ठीक नहीं है, लेकिन गांव के अंदर की रोड ठीक कर दी गई, इससे लोगों को परेशानी होती है। और एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पेयजल की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, वो भी तब जहाँ यहाँ पे नेचुरल वाटर की कोई कमी नहीं है, यानी कि तालाब यहाँ पे है और तालाबों में पानी भी है, तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और लोग भी मानते हैं कि जिस तरह का विकास यहाँ पे होना चाहिए था वो विकास अभी तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है, आदर्श गांव होने के बाद भी यहां अस्पताल नहीं है, अस्पताल जाने के लिए ग्रामीणों को 12 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लोगों को इस बात का दुख है कि तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं के सामने परेशानी ये है कि बीमार होने पर उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है और दूरी होने की वजह से कई बार लोगों की जान पर बनाती है। हथनीकला ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ही नहीं। कैसी हैं स्वास्थ्य सुविधाएं, खुद यहाँ के गांव के लोगों से ही बातचीत करते हैं जो हमारे साथ यहाँ पे गांव में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं न होने से बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आपके गाँव में स्वास्थ्य अस्पताल है क्या? नहीं है स्वास्थ्य, हमारे यहाँ तो अस्पताल नहीं है। अच्छा, तो अभी कहाँ है अस्पताल? कहाँ अस्पताल? अभी हमारे गांव से भी 10 किलोमीटर या मुंगेली जापता हॉस्पिटल मिली, या 12 किलोमीटर हम पथरिया जापता मिली हमला हॉस्पिटल, या 10 किलोमीटर हमन यहाँ भटगांव जापता मिली। तो यहाँ अस्पताल कैसे नहीं खुला अभी तक? भाई अभी तक नहीं खुले, ढोड़ अस्पताल भर खोल देते हम, कोनो भाई नहीं है। ये तो सांसद जी गोद लिए हुए हैं आपके गाँव को, अब कहा करवेगा सांसद, कुछ तो कुछ नहीं ले देखने, नाला बने कुछ बने हमारे गांव में, गाँव देख गंदा देखे थे मेरे की, भारी गंदा है। अभी तबीयत तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे करते हैं आप लोग? कैसे करते हैं? मुंगेली जाते हैं, हाँ, इसके सुविधा नहीं है हमारे गांव में। हाँ ठीक है, और किस तरह की परेशानी होती है आपके गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? ठीक है, आप कुछ बताएंगे भाई साहब? हाँ, क्या ये रोड है तेनो नहीं बने हैं, हमारे गांव में ऐसे सब गंदगी सब पड़े। हाँ, तो सांसद जी गोद लिए हैं, 4-5 साल होने वाला है, अब फिर से जो है कि फिर से वो आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए। हाँ, तो फिर देखिए वो सब ला है, तब ठीक हो है। आप लोग बताएंगे उनको कि आप क्या बात है? आते लेकिन वो ही मोहल्ला ना हो, आपस चले जाते हैं, मोहल्ला में नहीं आवाए। हाँ, कुछ महिलाएं भी हैं इस गांव में, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ काका, भी कुछ बताना चाहते हैं, बोलिए। एक ठीक समस्या का है, दिन रात गंदा नाली बहत है, नहर साफ सफाई नहीं, वही सब बीमारी फैलत है, और कोई देखभाल कुछ नहीं होते, पानी की निकासी नहीं है, जिसकी वजह से गंदा पानी लगातार जमता जा रहा है और उसके वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बीमारियां दूर करने के लिए अस्पताल नहीं है, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए ना, बताइए किस तरह की समस्या होती है? बीमार होते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है? मुंगेली जाता है, नहीं तो पथरिया जाता है। अच्छा, और यहाँ अस्पताल रहता तो कितना अच्छा रहता?
अच्छा रहती काबर वहाँ जावत हम तो ऐसे भी लड़का मन के जावत ले तबियत उबियत ज्यादा खराब हो जाते और वही 10 मिनट पर लगती अस्पताल यहाँ खुलती तब जबई है ठीक है। गांव की महिलाएं हैं, बोलने में थोड़ा शर्मा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जो भी इन्होंने बोला वो साफ तौर पे बोला कि अगर अस्पताल यहाँ पे होता तो उनको ज्यादा सहूलियत होती, दूर जाना नहीं पड़ता। इतने सारे बुजुर्ग हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। आपके सांसद जी कभी आए थे गाँव? आपने कुछ कहा उनसे इस बारे में? हमारे रहते चल जाते हमारे समाज में कहाँ जुड़ी है पारे पाले बेला पारे गरीब गुरुआ मान के तीर में जाएगी। लेकिन ये भी तो हथनीकला गाँव ही है ना। आवेगा तो कहा कम के गा नहीं आवे हमारे मेरे मेरे गा हमारे देखे नहीं आवे देखना। हथनीकला एक्चुअल में क्या है कि दो रोड के दो अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। रोड के एक तरफ पहले से ही विकसित गांव है और रोड का ये दूसरे तरफ का हिस्सा है जहां पे विकास अभी भी नहीं हुआ है। तो गांव वालों का आरोप है कि सांसद जी उसी हिस्से में आते हैं जहां पहले से ही विकास दिखाई देता है, जहां पे विकास की एक्चुअल में जरूरत है वहां पे वो कभी आते ही नहीं है। तो फिलहाल हथनीकला में देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे शून्य है, महिलाओं को बच्चों को बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है क्योंकि गंदगी का आलम है, उसकी वजह से बीमारियां फैल रही है। बीमारियां दुरुस्त करने के लिए इन्हें काफी दूर जाना पड़ता है और कई बार दूरी की वजह से बीमारी बढ़ भी जाती है जिससे खतरा ज्यादा बना रहता है। गांव में प्राकृतिक जल स्रोत की भरमार है लेकिन लोगों के पास पीने के लिए पानी की कमी है। इतना ही नहीं, स्वच्छता के मामले में भी ये गांव फिसड्डी है। यहां से गंदा पानी बाहर निकलने की सुविधा ही नहीं है। लोगों के घरों के बाहर नाली का गंदा पानी जमा हो रहा है और इस गंदगी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। हथनीकला ग्राम पंचायत जिसको कि सांसद ने गोद लिया है, इसको आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। यहाँ की स्वच्छता की पड़ताल हमने की, यहाँ पे स्वच्छता का आलम काफी बुरा दिखाई दे रहा है। नालियाँ यहाँ पे हैं ही नहीं और निकासी की कहीं कोई जगह नहीं है, इसलिए घरों से जो गंदा पानी निकलता है वो कई जगह पे जाम दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं। स्थानीय लोग हमसे बातचीत करते हैं, पानी निकासी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कहाँ भैया, निकासी तो दिख भी नहीं कर रहा है ना, नाली भी नहीं बना है और सब जाम हो गया है पानी। अच्छा, तो ये कहीं निकलता नहीं है पानी? कहाँ, लेकिन जो आगे जाते जो लेवा है ना डबरा दो में लेवा वही में जाम होते जा पानी। तो ये तो आप लोगों के घरों के बगल से नालियाँ गई हुई हैं? हाँ हाँ, मतलब ये नाली तो है तीर में थे। हाँ, जाग पानी वो जाम होते बरसात में, मतलब वो खेती की क्रीम में वो पानी हमें निकल जाते। बहुत बदबू भी आ रही है। हाँ, बदबू तो आ रहा है। बीमारी होती है इससे? तो बीमारी तो हो करी भैया। आप लोग कभी बोले नहीं सांसद जी आए तो? वो सांसद तो थी पर अभी नहीं करे। हाँ, ये तरफ आती तब बोलते दिखाते ना, वो भी डले चलते थे। तो अभी अभी आएंगे वोट मांगने आपसे? हाँ, तो वो दिखाएंगे फिर उसको। आप देखिए भाई, आप आदर्श गांव बनाए हो, अब देखो ये ठीक है। तो गांव वालों में कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहा है कि सांसद जी अभी तक तो नहीं आए लेकिन वोट मांगने जब आएंगे तो उनको जरूर वो उनका हिसाब याद दिलाएंगे कि आखिरकार वो क्या कह के गए थे और क्या उन्होंने किया है। क्योंकि स्वच्छता के मामले में तो फिलहाल ये गांव कहीं से भी आदर्श दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि सांसद ने इसे अपने लिए आदर्श ग्राम घोषित कर रखा है। तो कागजों पर भले ही ये आदर्श ग्राम हो गया हो लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और स्वच्छता के मामले में फिलहाल यह व्यवस्थाएं शून्य दिखाई दे रही है। सांसद आदर्श ग्राम हथनीकला को अभी भी विकास की जरूरत है। जो विकास यहां गिनाए जा रहे हैं वो पहले से इस गांव में मौजूद थे। गांव को गोद लेने के बाद ऐसी कोई बड़ी योजना नजर नहीं आती जिसे ये कहा जाए कि सांसद ने गांव को गोद लेकर इसके लिए कुछ काम किया है। सांसद आदर्श ग्राम हथनीकला का सर्वे करने के बाद ये नजर आया कि यहाँ पे विकास की अभी काफी ज्यादा आवश्यकता है। हथनीकला चूंकि मेन रोड के पास स्थित है इसलिए सांसद ने इसको चुना। और अगर 5 साल पहले की स्थिति की बात करें जब सांसद ने इसको गोद लिया था, उसके पहले भी इस गांव में बहुत सारे ऐसे विकास कार्य थे जो पहले ही हो चुके थे, लिहाजा 5 सालों में ऐसा कोई नया काम नजर नहीं आता जिसको सांसद ने इस गांव को गोद लेने के बाद किया हो। पेयजल की सुविधाएं जरूर नजर आती हैं लेकिन ये भी उस स्थिति में नहीं है जिससे गांव वालों को राहत मिल सके। आज भी पानी के निकासी की समस्या है, अस्पताल यहां पे है नहीं और स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नजर नहीं आते। मनरेगा के कार्य कागजों पे तो चल रहे हैं लेकिन गांव में वो नजर नहीं आते। ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि सांसद ने ऐसे गांव को गोद लिया था जो पहले से ही थोड़ा सा विकसित था और इस लिहाज से उन्होंने ये सो किया कि गांव को वो विकास कर रहे हैं। लेकिन हथनीकला दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ विकास बिल्कुल भी नजर नहीं आता और एक हिस्सा जो है वो पहले से ही विकसित था। ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार की ये योजना यहाँ पे उतनी सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ मनोज सिंह, IBC 24, हथनीकला।
आइए अब जान लेते हैं कि बिलासपुर के सांसद लखनलाल साहू अपने इलाके में विकास कार्यों से जुड़ी 5 कैटेगरीज में किसमें पास हैं और किसमें फेल। स्वच्छता में फेल, शिक्षा में फेल, स्वास्थ्य में फेल, कल्याणकारी योजनाओं में पास, डिजिटलाइजेशन में फेल।